अब खबर भरतपुर से है। राजस्थान के भरतपुर में जिले के सेवर थाना इलाके में नेशनल हाईवे पे गांव महुआ सिनीपिनी के पास अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग की सूचना मिलते ही सेवर थाना पुलिस और पुलिस के तमाम आला अधिकारी RBM अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल में उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। उसके बाद परिजन पहुंचे और परिजनों को रेफर कराकर उसे आगे बढ़ाया गया। जानकारी के अनुसार घायल युवक पंकज BA के पेपर देकर देने के लिए अपने बाइक से गांव जा रहा था, तभी पीछे से एक बाइक पे दो बदमाश मुंह पे कपड़ा बांधे हुए आए और आते ही चलती हुई बाइक पर उन्होंने फायरिंग कर डाली और मौके से फरार हो गए। गोली युवक के पेट में लगी। फिलहाल इस घटना को लेकर सेवर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी सर बताएं सर। करीबन 1:30 बजे के लगभग नेशनल हाईवे के ऊपर बासी गांव के आसपास एक मोटरसाइकिल पर पंकज सन ऑफ सुरेश निवासी बधीरा गांव एग्जाम देने के बाद बिलोट जा रहा था, तो उसके कुछ पीछे से एक मोटरसाइकिल पर दो युवक थे, उन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था। उनमें से एक लड़के ने पीछे वाले ने उसके गोली मार देना बताया, जिसपे वहाँ से उसको ला के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ से रेफर कर दिया गया है। वो कौन लोग थे उनके बारे में हम अभी फुटेज वगैरह देखते हैं। उस समय ये रास्ते में पड़ा मिला, हम एग्ज़ाम दे के जा रहे थे, तो उसको देखा हमने साइड में, उसके गोली लग रखी थी और हम दोनों रुके, दोनों भाई थे हम साथ में, देख के फिर उठाया इसको, जब तो कोई मिला नहीं, फिर एक वैगनर गाड़ी वाला हेल्प की उसने हमारी, उसके बाद उसको लेके गए यहाँ पर लेकर। आप पेपर देने आए थे? हम भी एग्ज़ाम देने आए, ये भी BA का एग्ज़ाम दे के आया था। अच्छा, ये इसने कुछ बताया कितने लोग थे? दो लोग थे, वो जा रहे थे बाइक से, दोनों ने मुंह बांध रखा था, ये बाइक पर अकेला जा रहा था, ना ये नंबर देख पाए किसी का, ये जैसे इसके गोली लगी, राउंड लगा ऐसे ही उसी साइड गिर गया लेफ्ट साइड। आपका नाम क्या है? मेरा रॉबिन सिंह।